हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट बुक से हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। तो हमारे पार्ट का नाम क्या है? ततारा वामिरो कथा। ततारा वामिरो कथा, इसे लिखा किसने है? लीलाधर मंडोई जी ने, है ना। और इनका जन्म है 1954। मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। और इसके पहले हमने सबसे पहले पढ़ा बड़े भाई साहब, सबसे पहला हमारा जो था ये था बड़े भाई साहब। दूसरा हमारा हुआ डायरी का पन्ना, और हम तीसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं, वो है ततारा वामिरो कथा, है ना। ततारा वामिरो कथा, तो ये जो लेखक है लीलाधर मंडलोई, इनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देती हूँ, क्योंकि लेखक के बारे में भी जानना हमें जरूरी लगता है ना। जो लिख रहे हैं, जो हमें इस पाठ के बारे में बता रहे हैं, हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले में एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा भोपाल और रायपुर में हुई, है ना। वे जो छिंदवाड़ा में उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ करी? भोपाल और रायपुर में, छत्तीसगढ़ रायपुर, है ना, वहाँ पे की। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन्हें अपने लेखन के कार्य के से उनको वहाँ पे कहाँ बुलाया गया? लंदन में बुलाया गया 1987 में, यानी 1987 में। तो कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित इन्हें किया गया था। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार भी वे संभाल रहे थे। कार्यरत थे किसमें? भारतीय दूरदर्शन के, मतलब वो महानिदेशक थे। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं, वे लेखक नहीं हैं, लेकिन लिखते भी हैं, लेकिन कवि मूलतः वे क्या है? उन्हें कविता लिखना बहुत पसंद है, तो वे कवि हैं। और उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। छत्तीसगढ़ में ही वे रहे, तो वहाँ की भी जो बोली है, वहाँ की जो बताते हैं वे मीठी बोली, उनके ही बोली में उन्होंने छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण अपने कविता के रूप में उन्होंने किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार की जो जनजाति है उसके ऊपर से उन्होंने जो लिखा है, वे यहाँ पे हम समाज शास्त्रीय अध्ययन में अध्ययन भी है, मतलब हमारे इस पाठ में हम देख रहे हैं, वे वहाँ की ही कथा के बारे में, कहानी के बारे में वो हमें बता रहे हैं। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कार्य के लिए उन्होंने कई पुरस्कार में, कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है, है ना। तो उसमें जो 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 कृतियाँ हैं, जो जो उन्होंने लिखा है, घर घर हुमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी, ये सब उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने इसमें लिखी है। तो आज हम उन्हीं के लिए लिखा हुआ है ये पाठ, जो ततारा वामिरो कथा है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पाठ में हम प्रवेश करते हैं और उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं जो पाठ में उन्होंने बताया है ना। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती है ना। जितनी पुरानी कहानियाँ हो जाती हैं, लेकिन आज भी जब हम सुनते हैं तो एक रोचक सी कहानी हमें लगती है ना, एक वो सुनने के लिए हम आज भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। जो जो कहानियाँ पुरानी होती चली जाती हैं, जो जो किस्से पुराने होते चले जाते हैं, आज भी वे हमें सुनने में रोचक लगते हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हो जाए जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हम उस किस्सों को, मतलब कोई इसमें जरूरी नहीं है कि हम कोई किस्सों को अभी के रूप में ढाल लें, लेकिन जो पुराना है वो है ना। इतना जरूरी है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख नहीं हो। हम जब भी ये किस्से पढ़ते हैं, जब भी हम नवीनता से यदि सोचें, तो हम उस किस्सों को उतना आज के जैसा माहौल में नहीं ढाल सकते। वो जो पुराने थे वे है, मैंने बताया ना कि उन्होंने किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हैं, है ना भाई। किस्से कहानी जरूरी नहीं है, हम उस समय तो हम गए नहीं थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी रूप में घटित हुए हों,
जिस रूप में हम सुनने या पढ़ने को मिलते हैं, हमें हम जिस रूप में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, है ना। इतना जरूरी है कि किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। अंडमान निकोबार की जो जनजातियाँ हैं वहाँ की भी जो किस्से किस्से हैं वो भी सुनने में हमें बहुत, वहाँ के भी किस्से सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन काफ़ी मशहूर भी हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है ना। यहाँ पे उन्होंने जो हम पढ़ रहे हैं कतारा वामिरों कथा, उसके कतारा और वामिरों की कथा जो हम हिस्सा यहाँ पे वो बताने वाले हैं उसको हम उन्होंने यहाँ पे पेश किया है। किसने? लीलाधर मंडलोई ने। प्रस्तुत पाठ कतारा वामिरों कथा की इसी द्वीप समूह के छोटे से द्वीप पर केंद्रित है ना। कतारा वामिरों के द्वीप समूह के छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़े जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था, है ना। उस मतलब जो भी वहाँ की रीति रिवाज जो भी थे वहाँ पे उन्होंने जो एक युगल के बारे में बताया, युगल मतलब एक पेड़ के बारे में बताया, वो पेड़ उसमें उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने जो वहाँ पे बंदी बंधन था उस बंधन को मिटाने के लिए उस युगल के बारे में यहाँ पे बताया गया। एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था, मतलब वो दोनों कपल को, मतलब जो युगल कहने का मतलब जो पेयर था उनको अपना आत्म बलिदान यहाँ पे देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कतारा हमीर प्रेम सबको जोड़ता है ना। प्रेम है जो स्नेह है, प्रेम है वो प्रेम से ही व्यक्ति जुड़ता है। एक व्यक्ति से जो आदान प्रदान हमारे जो प्रेम से कुली से होता है वो उसी से होता है, लेकिन प्रेम जो है उससे वो जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाता है। प्रेम जोड़ता है और घृणा यानी नफरत हमें क्या करती है, उसे दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। लोग उसे याद रखते हैं बल्कि उसे व्यर्थ नहीं जाने देते उनके बलिदान को जिन्होंने इस प्रेम के लिए अपना बलिदान दिया, है ना। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले सीगर को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उस द्वीप समूह के जो लोग रहने वाले हैं अंडमान में, आज भी वहाँ पर इन दोनों का नाम, इन दोनों युगल का नाम आज भी लोग याद करते हैं, है ना। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। पाठ पढ़ने हैं, सब लोग ध्यान दें। ये जो पाठ है कतारा वामिरों कथा है ना, उसको आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे भी साथ में, है ना। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। क्या नाम है? अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, जिसे लिटिल अंडमान कहते हैं। जो छोटा सा द्वीप है उसे लिटिल अंडमान कहते हैं। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जो इसकी दूरी है वो कहाँ से है? पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। अंडमान निकोबार बोलते हैं ना, तो हम अंडमान के बारे में बात कर रहे हैं कि अंडमान की जो द्वीप है वो किससे, पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बाद फिर क्या हो जाता है, निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला शुरू हो जाती है। अब जो निकोबार जनजाति के आदिम संस्कृति के केंद्र है, वहाँ के जो निकोबार की जनजाति है वहाँ के लोग आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है, है ना। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। प्राचीन काल में अंडमान निकोबार इसीलिए आज भी हम बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों द्वीप हैं, ये दोनों द्वीप उस समय एक ही द्वीप माने जाते थे। इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। ये जब दोनों अलग अलग हुए थे इनकी अलग होने की भी एक कहानी है जो लोग आज भी उसे दोहराते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, लेखक बता रहे हैं। सदियों पूर्ण जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे
तब वहाँ एक सुंदर अच्छा गांव था। जब वो दोनों जुड़े हुए थे अंडमान और निकोबार, तो वहाँ पर एक सुंदर सा गांव था। पास के एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। वहाँ पे पास में एक सुंदर सा शक्तिशाली युवक रहा करता था और उसके उसका नाम था ततारा। उसी का नाम क्या था? ततारा, यानी ततारा एक नव युवक का नाम था जो बड़ा सुंदर, यानी कहने का मतलब स्मार्ट था, करता नौजवान था और उसी का नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसी थी, वो सबसे मिलनसार, सबसे अच्छा वहाँ का नव युवक था, तो लोग उससे अपने आप ही प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था क्योंकि ततारा लोग इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो अपना व्यवहार दूसरों के साथ में वैसा रखते हैं, है ना। व्यवहार बनाना भी एक प्रेम का ही बीज है, ये समझ लीजिए, है ना। जिसका व्यवहार अच्छा रहेगा वो सब लोगों में जाना जाएगा। तो वो जो ततारा था वो भी लड़का, वो भी युवक ऐसा ही था कि सबकी मदद किया करता था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। हमेशा किसी की भी सहायता करना, उसको मदद करना, उसको खुद को अच्छा लगता था। अपने आप में वो सबकी मदद करने के लिए पहुंच जाया करता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। जितने द्वीप समूह में लोग रहते थे, अपितु मतलब किंतु, जितने भी लोग रहते थे वहाँ पर, वो सबकी सेवा करना चाहता था और सबका अपना परम कर्तव्य समझता था उनकी सेवा करना। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। इसी व्यवहार से, इसी की वजह से वो सब तरफ चर्चित था, मतलब फेमस था कि वो सबके साथ में वैसे सबकी मदद किया करता था जिनको उसकी मदद करनी है और वो अपना कर्तव्य, परम कर्तव्य समझता था मदद करना। तो वो इसीलिए सब तरफ फेमस भी था। सभी उसका आदर करते थे, सभी उसका आदर भी करते थे। अब वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। जब भी किसी के ऊपर वक्त बुरा हो या उसे उसकी ज़रूरत हो लोगों को, तो वो उसे बुलाया करते थे या उसे मालूम पड़ा तो वो खुद ब खुद वहाँ पे पहुँच जाया करता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया करते थे। दूसरे गाँव में छोटे छोटे जो निकोबार और अंडमान निकोबार एक ही था उस समय, तो जो छोटे छोटे वहाँ के गांव थे उसे भी लोग, क्योंकि वो फेमस था, उसके लिए प्रसिद्ध था, तो वो उसे लोग आमंत्रित करते थे। कोई भी त्यौहार हो, पर्व हो, उसे जरूर बुलाया करते थे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, उसका जो व्यक्तित्व था, जो उसकी पर्सनैलिटी थी, वो अट्रैक्शन उसमें तो था ही, लेकिन साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। उसका जो आत्मीय स्वभाव था, उसका जो स्वभाव था, व्यक्ति स्वभाव से ही पहचाना जाता, बोलते हैं ना, जिसका स्वभाव अच्छा उसके पास सभी लोग आपको मिलेंगे, है ना। और जो स्वभाव से थोड़े भी टेढ़े रहें, थोड़े भी रूढ़ रहें, तो लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते। लेकिन ततारा ऐसा व्यक्ति था कि वो प्रेम से सबको जीत लेना चाहता था, है ना, और उसी व्यवहार से उसको हर गांव गांव में बुलाया जाता था। चाहे कोई भी त्यौहार हो, पर्व हो, उसे विशेष रूप से बुला लिया करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। वो हमेशा एक तलवार अपनी कमर में रखा करता था। वो लड़का जो था, युवक जो था ततारा, वो हमेशा अपने कमर में तलवार को रखा करता था, बांधे रहता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति। अब लोग कहते थे वो इसलिए रखता है क्योंकि उसमें जो तलवार, लकड़ी तो रखता ही था, लेकिन लकड़ी के साथ साथ में वो तलवार भी जरूर रखता था। लोग कहते थे, लोग बताते हैं उसके बारे में कि वो तलवार इसलिए रखता है क्योंकि वो उसको दैवीय शक्ति मानता है ना। और लोग बोलते थे कि उसमें दैवीय शक्ति थी उस तलवार में, इसलिए वो अपने पास रखा करता था। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, वो कभी अपने से उस तलवार को कभी अलग न होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, कभी दूसरों के सामने वो उपयोग भी नहीं करता था। तलवार का कैसे उपयोग करें, जब प्रेम से संबंध, प्रेम संबंध सबसे है, तो वहाँ पे तलवार की क्या जरूरत। लेकिन वो तलवार अपनी कमर में जरूर लगाए रहता था, क्यों? क्योंकि उससे उससे विशेष लगाव था, क्योंकि वो एक उसे दैवीय शक्ति मानता था, है ना। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे, कि लोग भी ये मानते थे कि नहीं, उसकी जो तलवार
तलवार उसने जो लटकाए रखी है कमर में, उसमें जरूर कोई ना कोई दैविक शक्ति होगी, है ना। एक अद्भुत शक्ति ऐसी होगी जो ततारा अपने अपने आप से तलवार को कभी अलग नहीं करता है, है ना। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य है। अब लोगों में ये तो उत्सुकता थी कि ये तलवार रखता है तो क्यों रखता है, हालांकि इसको तो जरूरत ही नहीं है, इसके पास तो प्रेम की गोली इतनी है, मतलब प्रेम से ही मिलना इसके पास नहीं है, तो इसके पास तलवार की क्या जरूरत। लेकिन लोगों में ये रहस्य छुपा हुआ था कि आखिर ततारा तलवार रखता क्यों है, एक विलक्षण रहस्य था। एक शाम, अब एक बार की बात है कि एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। एक बार क्या होता है कि बहुत उसने उस दिन मेहनत किया और मेहनत थकान निकालने के लिए वो क्या करा, समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। जब टहलने निकल पड़ा तो सूरज समुद्र के लगे क्षितिज तले डूबने को ही था। अब सूरज डूबने ही वाला था। क्षितिज किसे कहते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं, हमारी जहाँ तक आसमान में नजर जाती है, वहां जहाँ आसमान में झुकता हुआ दिखाई देता है उसे कहते हैं क्षितिज। तो सूरज बस डूबने ही वाला था, तो क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारे आ रही थी, जैसे समुद्र शाम ढलने लगी, जैसे ही शाम होने लगी, जब जैसे ही सूरज डूबने लगा तो क्या होने लगी, शाम की जो हवाएं चल रही थी समुद्र के पास वे ठंडी ठंडी आने लगी, उसे ठंडी हवा बयारे आ रही थी, मतलब जो लहरें थी वो उसके साथ साथ हवा भी ठंडी ठंडी आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनै शनै क्षीण होने लगे थे, मतलब पक्षी भी अपने अपने घर लौट रहे थे, पक्षी भी अपने घर लौट रहे थे, मतलब क्षीण हो रही थी। उसका मन शांत था, उसका तो भी सब, क्योंकि शांति तो चारों तरफ फैल गई थी, इधर से हवा भी ठंडी ठंडी आ रही थी और पक्षी भी अपने घर, जो चहचहाना उनका पक्षियों का था वो भी शांत हो चुका था। तो एक शांत तरीके से हुआ वहाँ पे, शनै शनै क्षीण होने को थी, उसका मन भी शांत था। तो विचार मान ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। क्या कर रहा है, समुद्री बालू मतलब रेत पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को, जो डूबने वाला जो सूर्य था उसकी जो किरणें आ रही थी वो क्या कर रहा था कि समुद्र पर उसे निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। तो उसे वहीं पर ऐसा लगा कि गीत कोई गा रहा है, गीत गूंज रहा है, कोई गीत को गा रहा है, गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, ऐसा लग रहा था। उसका मन तो शांत था ही, वो शांति से बैठा ही हुआ था, लेकिन उतने में उसे एक मीठी आवाज में गीत गुनगुनाता हुआ कोई गूंजता हुआ उसे सुनाई दिया। तो उसे ऐसा लग रहा था उसके पास वो गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। अब वो जो आवाज आ रही थी उसमें जो लहरें आ रही थी समुद्र की, वो आवाज भी उसमें मिल जा रही थी, तो वो संगीत बनकर बोले उसमें घूम रही थी। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुधबुद्ध खोने लगा। इतनी ज्यादा, मतलब उसमें जो गायन के साथ साथ जो समुद्र की लहरों का संगीत था उसके साथ साथ उसका जो गायन कह रहा था, उसका मानना था कि जो गायन था इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुधबुद्ध खोने लगा। जो उसे इतना अच्छा लग रहा था कि शांति से वो बैठा था और उस शांत समय में उसे वो गीत सुनाई दे रहा था और गीत के साथ साथ वो लहरों का संगीत और वो आवाज़ वो उसको मन को एकदम शांति पहुंचा रहा था और वो उसके कारण वो अपनी सुधबुद्ध खो बैठा था। लहरों के प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी, मतलब उस एकदम इतनी प्रवाह के साथ में जो लहर आई तो वो लहर ने उसकी जो खोया हुआ था, उसने सुधबुद्ध जो खो दी थी वो उसकी एकदम तंद्रा भंग करते, मतलब वो एकदम से जाग उठा, जैसे हम देखते हैं सपना, वो उस तरह से वो खो गया था उसमें, लेकिन वो लहर ने उसका इतनी जोरदार आवाज करी कि उसका सब कुछ, मतलब जो सोच रहा था, जो सुन रहा था वो सब भंग हो गया। चैतन्य होते ही वो उधर बढ़ने को विवश होता जिधर से अभी आवाज आ रही थी, मतलब वो गूंजने की आवाज जो आ रही थी, वो गीत की आवाज जो गीत के स्वर उसे सुनाई दे रहे थे, वो उधर उधर की ओर बढ़ने लगा। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, अंततः उसकी नजर
एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक टक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी, है ना। वो जो एक युवती थी वो गाना गा रही थी और वो जिस तरफ उससे आवाज आ रही थी वो वहां गया, उसने उस लड़की को देखा एवं उसकी युवती को एक बता रहे हैं वो कि अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। ये क्या था? एक श्रृंगार गीत था जो वो गा रही थी। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। वो अपने धुन में गाई जा रही है, उसे मालूम भी नहीं कि मुझे कोई देख रहा है, या वो अपने धुन में, जब व्यक्ति अपने इसमें होता है तो उसे ये ध्यान नहीं होता है कि कौन मुझे देख रहा है, कौन निहार रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। वो अपने धुन में जब रहता है तो वो बेसुध हुए गाता चला जाता है, तो वो निशब्द ताके जा रहा है। एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई, लड़की को एक लहर उठी और भिगो गई, वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। जब वो लहर आई और इतनी जोरदार लहर आई कि उसे उसके सारा वो जहाँ खड़ी थी वहाँ लहरों ने आके उसे भिगो दिया। अब वो हड़बड़ाहट में उस हड़बड़ाहट में वो गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। उसने गाना जैसे ही रुक पाती, जैसे ही वो सामान्य हो पाती, उस लहर से थोड़ी सी हड़बड़ाहट के कारण जो गाना भूल गई थी वो थोड़ी सी हकबका गई थी और वहाँ पे वो सामान्य तरीके से जब उसे अपने आप को उसने पाया तो उसने देखा कि कोई आकर्षक आवाज मुझे, मतलब गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज उसने सुनी। तुमने एक गायक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अब ततारा वहां पे पहुंच चुका था जहां पर वो लड़की जो युवती गाना गा रही थी समुद्र के किनारे, है ना। तो जैसे ही उसने ये आवाज सुनी कि तुमने ये गाना क्यों बंद कर दिया, उसने प्रश्न किया उससे, तो अपने सामने एक सुंदर युवक को देख कर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ किंतु अपने को संयम कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। उसने अपने आप को संयम किया लेकिन देखकर थोड़ा सा ये लगा कि मैं कोई युवा खड़ा है और वो मुझसे इस तरह से पूछ रहा है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, तुमने इतना सुंदर गा रही थी, तुमने गाना क्यों रोक दिया। तो फिर भी उसने अपने आप को संयम किया और उसने जवाब दिया बेरुखी के साथ, मतलब रूठा सवाल जवाब दिया कि क्या दिया जवाब, पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण प्रश्न कर रही है वो उससे कि तुम पहले बताओ तुम कौन हो और मुझे इस तरह से असंगत प्रश्न का कारण मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में मैं बाध्य नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। भले उनके पहले ये जो मुलाकात थी प्रतारा और वामीरो का नाम रहता है उससे वो मुलाकात होती है, वहां पर जब वो पूछता है अनजान व्यक्ति को देखकर हम भी डर जाते हैं ना, कोई किसी की भी बात हो अनजान व्यक्ति यदि हमसे कुछ सवाल करता है तो हम भी डर जाते हैं, और वो होते कौन है ना, सबसे बड़ी चीज तुम कौन हो, कहाँ से हो, ये सारे प्रश्न अपने आप में उठ जाते हैं। वैसे उसने भी सोचा कि ये है कौन, और मैं उन्हें रूठा जवाब दिया बेरुखी तरीके से बोला कि मैं, मतलब अनजान व्यक्ति को मैं किसी इस तरह से, उन्होंने कहा कि इस तरह मुझे घुलने और असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में मैं बाध्य नहीं हूँ, मैं किसी को दूसरे गांव के व्यक्ति को मैं अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, यह तुम भी जानते हो, उसने कहा यह तुम भी जानते हो। तो ततारा मानो सुदबुद्ध खोए हुए था, जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। ततारा तो साहित्य तो ऐसे ही सबसे, वैसे भी वो प्रेम संबंध सबसे रखता था, अपना संबंध सबसे रखता था, लेकिन उसने भी, उसने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने भी उसको इस तरीके से नहीं पूछा, लेकिन पूछा प्रेम से ही पूछा, लेकिन जवाब उसे रूखा सूखा मिला। ठीक था उसका भी, उसने भी सोचा कि नहीं ठीक है कि ये मुझे जवाब तो नहीं देगी, तो भी उसने फिर से उससे वही सवाल पूछा। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना जवाब नहीं दिया, उसने फिर से वो प्रश्न दोहराया, तुम गाना क्यों रोक दिया, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है।
वो आप लड़की की तारीफ करने लगा कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, तुम्हारा कंठ तुम बहुत सुरीली तुम्हारी आवाज़ है, तुमने बहुत सुंदर गीत गाया है ना। तो यहाँ तक हमने देखा, इसके बाद में हम और देखेंगे। यहाँ तक हमने पेज नंबर 80 पर है ये, और ततारा और मामिलो की एक कथा है, अंडमान निकोबार की जो क्या नाम है हमारे लेखक लीलाधर मंडलोई ने इसको लिखा है। बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको सुनने में सबको बहुत अच्छा लगेगा, है न।